दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है। उन पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद कई पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पे पटाखे छोड़े गए। उसके लिए आज पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी टीमों को सतर्क करें, क्योंकि अब आगे दिवाली भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच है, फिर उसके बाद जो है वो छठ पूजा है। तो अगले समय में पटाखों को लेकर के, और खासतौर से मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी, कि वहां पर भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए, वहां पर भी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसे और खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर जो, चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके, उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, सात नंबर और नौ नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के, उसमें जिसके लास्ट में वन है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।